है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का मैं सौरभ गुप्ता तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी की तैयारी जबरदस्त लेवल पर चल रही होगी। जो लोग इस एग्ज़ाम को देखो, जिन लोगों के पास में बहुत बड़ी मजबूरी है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो और किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उसको अगर फॉलो कर लोगे तो पहली बार में ही एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। पिछले साल का पेपर उठाकर देख लो, पिछले साल का पेपर आप उठाकर देख लो कि विद प्रूफ मैंने ये वीडियो बनाकर डाला था कि जितनी भी चीज़ हमने पढ़ाई है और वो चीज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल छपी हुई आती है, ठीक है। साथ ही साथ में अभी अगर लेटेस्ट की बात करो तो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है अभी 20 दिन पहले, और बिहार पीसीएस के पेपर में आप देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला था। बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर 90 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से डायरेक्ट छपे हुए आए हैं, इस वजह से इधर उधर भटकना छोड़ दीजिए, जितना पढ़ा रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ अगर फॉलो कर लोगे तो एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर भटकोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। तो मैं उन सभी लोगों के साथ हूँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लगातार प्रयास में हैं, और जिनके पास में कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है जीवन में, उनको हर हाल में जॉब लेना ही है, उन सभी लोगों के लिए मैं आप दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप भी हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए। देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो कि आरओ यारो का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो 25 ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जाते हैं, और ये चीज़ वही इंसान आपको बता सकता है जिसने पेपर को एनालिसिस किया है बहुत अच्छे से। पिछले 5 साल के अगर आप यूपीपीएससी जो कि आरओ का एग्ज़ाम करवाती है, अब तुम लोग सोचो कि सिर्फ आरओ का पेपर नहीं देखना होता है, यूपीपीएससी आयोग जो है ये आरओ का पेपर कराती है, और यही अपर पीसीएस का भी पेपर कराती है, यही पीसीएस जे का भी पेपर कराती है। ये यूपीपीसीएस के अंतर्गत एक इंजीनियर्स का एग्ज़ाम होता है, उसको भी कराती है, एई का एग्ज़ाम होता है। तो इतने सारे एग्जामों के पेपर जो लगातार हो रहे हैं उनको अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये पता चलेगा कि 25 ऐसे टॉपिक हैं जो कि पिछले 5 वर्षों में घुमा फिरा कर बार 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 पूछे गए हैं। और अगर आपको ऐसी सब चीज़ें पता चल जाएं कि वो 25 कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और उन सभी टॉपिक को पढ़ लिया, तो समझो कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कम मेहनत से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आओगे। कट ऑफ तो बहुत छोटी चीज़ है, कट ऑफ से कई नंबर ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे 100 दिन यानी कि दिसंबर तक पूरा सिलेबस कराने वाले पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, वो अभी भी उनके पास में मौका है, वो हमारा कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। केवल 3 महीने में ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर चीज़ का बना बनाया नोट्स भी आपको दे दे रहा हूँ, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, ये 25 टॉपिक्स में से एक टॉपिक जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नोबेल प्राइज। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नोबेल प्राइज से। तो इस वीडियो में हम लोग इसका करंट अफेयर्स वाला पार्ट और इसका जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, दोनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो क्या बना है, सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यानी कि भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है वो किसको प्रदान किया गया है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको प्रदान किया गया है। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, अलग से भी याद रखना, कभी कभी हो सकता है इनमें से आपको कई एक दो नाम ना दिए जाए, तो आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ज, एनी एल हुइलियर, ये इनके नाम हैं, लेकिन इसमें से पूरा मत याद किया करो, पहले वाले में याद रखो पियरे पियरे, दूसरे में नाम रखो फेरेंक
फेरिंग, और तीसरे में याद रखो हुईली, एनी एनी, बस ये तीन चीजें शॉर्टकट में याद रखो, एनी फेरेंक और पियरे, इनको वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में अगर घुमाने के लिए पूछेगा तो ये पूछ लेता है कि बताओ इनको दिया किस फील्ड में दिया गया है। तो इन तीनों का फोटो देखो, ये तीनों व्यक्ति हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ फिजिक्स का नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार तीन लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों का किस चीज में लिए दिया गया, फॉर रिसर्च ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लैशेस ऑफ लाइट। ठीक है, रिसर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लैशेस ऑफ लाइट, इस फील्ड में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने जो ये रिसर्च करी है, इसमें एक टर्म यूज होता है एटो सेकेंड पल्सेस, यानी कि बहुत फ्लैश, मतलब बहुत तेज पल्सेस, पल्सेस एटो सेकेंड। आपने पढ़ा होगा मिली सेकेंड, पीको सेकेंड, ये सब पढ़ा होगा, लेकिन एक एटो सेकेंड होता है, एक एटो सेकेंड सेकेंड का 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 पार्ट होता है एक सेकेंड का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ष 2023 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल किसको दिया गया है। केमिस्ट्री का नोबेल किसको दिया गया है, तो जल्दी से बताएंगे वर्ष 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने किसको दिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि वर्ष 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल कितने लोगों को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इस बार का नोबेल पुरस्कार कुल तीन लोगों को दिया गया है। कुल तीन लोगों को दिया गया है, कौन कौन से हैं। पहला है मोंगी जी बावेंडी, दूसरा है ब्रूस, और तीसरा है एलेक्साई। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे तो हो जाएगा मोंगी जी वालेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकीमोव। नाम इनका कठिन होता है, ले नहीं सकते आप, लेकिन इनके इनको याद रखने के लिए कोई एक चीज़ याद रखो। पहले के लिए आप याद रख सकते हो मोंगी नहीं, मैगी, जो घर में हम लोग मैगी बनाते हैं ना, नूडल्स, तो याद रखो केमिस्ट्री का नोबेल किसको दिया गया, मैगी। ठीक है, मैगी। दूसरा नाम याद रख सकते हो लुइस, क्या लुइस, और तीसरा एलेक्सी। इस तरीके से याद रखो मैगी लुइस मतलब लिया, मैगी लिया, लिया किसने लिया, लुइस ने, एलेक्सी। इस तरीके से याद रखोगे तो मतलब कुछ ना कुछ याद करने का तरीका बना लोगे, तो आपका आंसर ये गलत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ यारो के हिसाब से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर इन तीनों का फोटो देख सकते हैं। ठीक है, कि नोबेल प्राइज 2023 जो है इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं उनकी खोज करी थी, और वो बनते कैसे हैं इसके बारे में इन्होंने जो है इस बार काम किया है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं QLED, और कभी कभी QLED का फुल फॉर्म पूछे तो क्वांटम, क्यू का मतलब होता है क्वांटम, क्वांटम LEDs, LED का मतलब आपको पहले से पता होगा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इससे क्या होता है लाइट निकलती है, और ये क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि किसे फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जल्दी जल्दी बताएंगे, टाइम बहुत कम है, स्पीड से, हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ना है। एक कमेंट आ रहा है कि सर अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया तो कौन से मंथ से में सिलेक्शन होगा। ये सब चीजें अभी दिमाग में लाने की है नहीं, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सिलेक्शन हुआ नहीं है, अभी से सोचो कौन से महीने में सिलेक्शन हो, उससे क्या मतलब है, जॉब मिल जा रही यही कौन सी बड़ी बात है। तो सीमा, शिवेंद्र, अक्कीपाल और शिवानी कश्यप,
लगभग सभी लोग मुझे दिख रहे हैं, स्नेहलता, शेफाली, सुमित मौर्या, अभिषेक कुमार, गुंजन वाशने, सभी लोग मुझे दिख रहे हैं। आंसर इसका देखो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन दोनों यानी कि कैटलिन कारिको और ड्री वीजमैन दोनों को दिया गया है मेडिसिन का। यहाँ पर देख सकते हैं कैटलिन कारिको, ये कैटलिन और ड्री वीजमैन दोनों को दिया गया है, ठीक है, दोनों को इस बार का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें सही से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इन्होंने किया क्या था, अब ये किस क्षेत्र में दिया, हल्का सा जान लिया करो, ज़रूरी नहीं बहुत डिटेल में आपको बताओ। इनको इन्होंने एक्चुअली में COVID-19 के खिलाफ एक वैक्सीन बनी थी जो कि mRNA पर आधारित थी, उसके विकास में एक ज़रूरी चीज़ आती है न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन, इस पर इन्होंने काम किया था, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन इस पर इन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से इनको ये दिया गया है। अब ये जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, किसके नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन से व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। डायनामाइट पहली बार 1901 में ये पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनेगा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया, इकोनॉमिक्स का, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। रहनुमा, शेफाली, प्रिया, माधव, गीत, प्रीति, सूर्यप्रकाश यादव। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो इकोनॉमिक्स की। अगर आप UPSC देने वाले हैं, अगर आप RO AR O का एग्ज़ाम देने वाले, दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया किसको दिया गया, क्लाउडिया। इस वजह से आपको बता दे रहा हूँ कि बार बार नाम लेने से आपके मन में ये चीज़ बैठ जाएगी, किसको दिया गया है, क्लाउडिया को, क्लाउडिया गोल्डन। तो वर्ष 2023 का जो इकोनॉमिक्स का, और याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, तीनों में से, दोनों में से, मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, किसको दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन, ठीक है, विंस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023। ये क्लाउडिया गोल्डन का फोटो देख सकते हैं, याद रखना क्लाउडिया गोल्डन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये दुनिया की तीसरी महिला है, इनसे पहले केवल दो महिलाओं को ही ये पुरस्कार दिया है, पुरुषों को तो लगभग हर साल मिलता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा नोबल पीस प्राइज किसे दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शांति के क्षेत्र में नोबल किसको दिया गया है, शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है जल्दी से बताएंगे, ईरान देश की रहने वाली नरगेस मोहम्मदी किसको दिया गया है, नरगेस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बता दें, नीतू देवी, आनंद, सूर्यप्रकाश यादव, अरविंद राज, ज्योति, नेहा अग्रवाल, अरविंद राज, लगभग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, नरगेस मोहम्मदी को नोबल पीस प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। फोटो देखते हुए चलिए, लंबे घुंघराले बाल, काले बाल, ईरान देश की रहने वाली नरगेस मोहम्मदी को नोबल पीस प्राइज प्रदान किया गया है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, ईरान देश आप जानते हो कि ज़्यादातर युद्ध से ग्रसित रहता है, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये लड़ाई करी थी इन्होंने, मानवाधिकार को बढ़ाने के लिए काम किया था, जिसकी वजह से इनको ये शांति पुरस्कार दिया गया है। फोटो बार बार इस वजह से दिखा रहे हैं कि लिखा हुआ भूल सकते हो लेकिन फोटो आप लोग नहीं भूलोगे,
अब भी ना याद रख पाओ तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लापरवाही कर रहे हो, क्योंकि इतने बढ़िया से सब कुछ बता दिया है, अब क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। एक और पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में नोबल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, वो दिया गया था मलाला यूसुफ जई को, जिनको 2014 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित होने, उस समय वो 17 साल की थी केवल जिस समय उसको दिया गया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा एजेड पर्सन कौन है, जोसेफ रोटब्लास्ट है। ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा सिर्फ ये जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई को, और 2014 में दिया गया था, और जब ये लड़की केवल 17 साल की थी उस समय इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल किसे दिया गया, लिटरेचर के क्षेत्र में, तो देखते हैं कौन सही बता पाएगा, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक्स में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जब आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है घर बैठे तो लाइक्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी हमारे बैच में पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो जो चीज़ें मैं देते जा रहा हूँ करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर पढ़िए, अदरवाइज बहुत बड़ा बर्डन आपके सर पर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, लिटरेचर का जो ये प्राइस है ये दिया गया है जॉन फॉसे, जॉन फॉसे, ठीक है, किसको दिया गया, जॉन फॉसे, यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्वे देश के रहने वाले जॉन फॉसे अवार्डेड नोबेल प्राइस इन लिटरेचर। बहुत ही शानदार लिटरेचर, एक शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब नोबेल पुरस्कार 2023 की थीम क्या थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम बार बार पूछा जाता है, इसकी थीम क्या थी, इस वर्ष ये जो पुरस्कार दिए गए हैं इसका थीम बताइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। गीत, रवि, रहनुमा, प्रिया, नेहा, तनु, माधव, प्रीति, फटाफट आंसर देते चलिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं, लेट नहीं होना है, लगातार कोशिश करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, आंसर हो जाएगा ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप, यानी कि TTH या फिर HTT, इस तरीके से याद रखो, HTT या फिर TTH, दो टी वाले शब्द हैं और एक एच वाला है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रुथ, होप, ये चीज आपको याद है, ट्रस्ट, ठीक है, ये चीज आपने याद रख ली। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे भाई, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, नोबेल प्राइज का जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा नोबेल प्राइज स्टैटिक जीएस वाला पार्ट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, और जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, कोई इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ये अल्फ्रेड नोबेल का फोटो देख सकते हो जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इसके बाद में प्रथम पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, पहली बार कब दिया गया था, जल्दी से बताएंगे पहली बार जो ये पुरस्कार है वो कब दिया गया था, आंसर इसका हो जाएगा वर्ष 1901, वर्ष 1900 प्लस 1, यानी कि 1901, याद रखना 1900 प्लस 1, यानी कि 1901, 1900 प्लस 1 यानी कि 1901 में दिया गया था, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये 1901 में दिया गया था। क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है। अल्फ्रेड नोबेल जो था उसने एक ऐसी चीज बना दी थी जिसका उसे बड़ा दुख था, और लोग उससे कहने लगे कि तुम्हारी मृत्यु के बाद में दुनिया तुम्हें ये जानेगी कि तुमने इतनी खराब चीज बनाई है, और ऐसी कौन सी चीज बनाई है जिसको बनाने के बाद में उसको खुद आविष्कार करने वाला बहुत रोया था।
तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था डायनामाइट। डायनामाइट क्या करता है, विस्फोटक पदार्थ है, अचानक से ब्लास्ट होने की क्षमता रखता है, कह सकते हो कि ये बॉम्ब है, बॉम्ब डायनामाइट बना दिया था। और इसको आविष्कार करने वाला अल्फ्रेड नोबल बहुत परेशान हुआ था, बहुत रोया था डायनामाइट बनाने के लिए। तो उसने जाना कि दुनिया मुझे जानेगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी गंदी चीज़ बनाकर गया हूँ। तब इसने क्या किया कि इसने इन शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो डायनामाइट, ये बॉम्ब बना दिया था इसने। तो बाद में इसको बड़ा दुख हुआ कि दुनिया मेरी मरने के बाद में कहेगी कि बताओ ये इंसान जो है लोगों के मरने वाली चीज़ बना के गया है, इसको गलत सलत बोलेंगे। तब इसने क्या किया कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कर दी, जो कि शांति के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोबेल पुरस्कार का समारोह प्रति वर्ष 10th of December को ही क्यों मनाया जाता है, 10th of December को ही क्यों आयोजित किया जाता है? आंसर बताएंगे जल्दी से, और लगातार मेहनत करते रहो। जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूं, ध्यान से पढ़ते रहिए, उसी से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आज ही के दिन इसका निधन हुआ था। यहां पर आप देख सकते हो लिखा है अल्फ्रेड नोबेल डाइड December 10, 1896। 1896 में ये ख़त्म हो गया था, और 1901 में पहली बार जो है इसके नाम से ये पुरस्कार जो है शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर इसका बताएंगे क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा स्वीडन। किस देश में, स्वीडन देश में, इंपॉर्टेंट, स्वीडन देश में, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन देश में। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं, और जो शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना कि नोबेल पुरस्कार आपने ऊपर देखा इतने सारे क्वेश्चन किए कि अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साहित्य में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो ओस्ले, नॉर्वे की कैपिटल ओस्ले, ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये बस दो चीज़ें, दो पॉइंट आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 6 क्षेत्रों में, टोटल 6। कौन कौन से हैं यहां पर देख सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स और ये मेडिसिन, इन 6 फील्ड में प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जिस समय नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तो ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में इसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, अर्थशास्त्र, इसमें भी इसको दिया जाने लगा, तो अब टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले तो इसको याद रखना। क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शामिल किया गया था? क्योंकि पहले तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स बाद में ऐड किया गया है, तो कौन सा ईयर है? 1901 में सबसे पहली बार दिया गया, शुरुआत किससे हुई, 5 क्षेत्रों से। कौन सा ऐसा साल था जिस साल इसमें इकोनॉमिक्स भी जोड़ दिया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा 1968, 1968 में, 1968 में। ठीक है, 1968 में शामिल किया गया, और दिया कब गया, दिया कब गया, 1969 में। ठीक है, शामिल किया गया, और पहला जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है वो 1969 में प्रदान किया गया। तो ये सब आपको सीख लेना है। बाकी देखो कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं कि पहली बार किसको दिया गया, और ये सब,
पूछ लेता है कभी कभी, चलो इसको भी करवा देते हैं, ये सब भी कभी कभी पूछ लेता है। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? फिजिक्स में सबसे पहली बार किसे दिया गया था? यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिजिक्स में सबसे पहली बार किसको दिया गया था? फिजिक्स में तो आंसर क्या हो जाएगा? फिजिक्स में सबसे पहली बार दिया गया था विल्हेम रॉन्टजेन। विल्हेम रॉन्टजेन कौन है ये व्यक्ति? बहुत बार पूछा जा चुका है विल्हेम रॉन्टजे। एक्सरे की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब तुम बीमार हो जाते हो, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो एक्सरे करवाने जाते हो, तो एक्सरेज जो एक्स किरणें हैं उसकी खोज किसने करी थी? वो करी थी विल्हेम रॉन्टजेन ने। कब करी थी? 1901 में। और उस समय की सबसे बड़ी खोज थी एक्सरे। इसी वजह से जिसने इसकी खोज करी थी रॉन्टजेन, उनको फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिजिक्स का पहला नोबेल इस वजह से इनको दिया गया था। ठीक है, रसायन विज्ञान में किसको दिया गया था? जैक जैकबस हेनरिक वेन टी ऑफ। ठीक है, साहित्य में किसको दिया गया था? सुली प्रोधोमे। ये सब पढ़ लेना, ये सब कुछ हम करा चुके हैं, मतलब आपको नोट्स में दे रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो सबसे पहली महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था उसका नाम क्या है? आंसर इसका हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। किसने जीता था? मैरी क्यूरी। लगातार प्रश्नों को सॉल्व करते रहो, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है ये। ये है मैरी क्यूरी, जिनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, एक चीज इसमें और आपको याद रखना है कि दो अलग अलग श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति अगर पूछा जाए और एकमात्र महिला पूछा जाए, तो वो है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911। गजब हो गया, मतलब एक इंसान फिजिक्स में भी एक्सपर्ट है और केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट है। ठीक है, फिजिक्स में भी एक्सपर्ट है और केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट है। तो एकमात्र ऐसी महिला है जिनको दोनों क्षेत्र में, फिजिक्स में भी 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में, नोबेल पुरस्कार की सबसे उम्रदराज प्राप्तकर्ता कौन है? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो लोग मैच देखने के शौकीन हैं, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, पाकिस्तान हार चुकी है। और वो जो पाकिस्तान हारने के बाद में क्या हुआ कि वो जो है अब इस टूर्नामेंट से बाहर, समझो पाकिस्तान की तो लुटिया डूब गई, बाहर हो गया। थैंक यू रहनुमा, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो इसमें देखो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम उनकी मलाला यूसुफ जई, अभी बताया था मलाला यूसुफ जई, तालिबानियों ने इसको गोली मार दी थी, वही लड़की है ये। ठीक है, कब दिया गया था? 2014 में, उस समय केवल 17 साल की थी। भारत से अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? भारत से अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो आंसर इसका हो जाएगा, भारत से अब तक जो है 12 लोगों ने इस पुरस्कार को जीता है, 12 लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? भारत से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, यहां पर आप देख सकते हो इंडिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, 13 साल लग गए, 1913, 1913 में दिया गया था। ठीक है, और उस समय जब इनको ये पुरस्कार मिला था, तो ये पूरे भारत के ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। एशिया के, समझ लो कितने बड़ी शख्सियत होगी, एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। भारत का सबसे हालिया नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र में कब जीता है? सबसे लेटेस्ट वाला जो मिला है,
अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में वो कब दिया गया है? गीत सागर, बहुत ही सही, 2019 में। श्रुति, गरिमा, शेफाली, माधव, शिवानी, प्रिया, ज्योति, अनुदीप, मौर्या, कोमल, प्रीति, मोना, रहनुमा, श्रुति, अपर्णा, सबने सही बताया, 2019 में दिया गया। भारत में शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था शांति के क्षेत्र में? जिसको भी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना हो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस बैच के बारे में जानकारी कर सकता है। अभी भी आपके पास में समय है, दिसंबर तक पूरा सिलेबस करवा दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। तो देखो रविंद्रनाथ, भारत के कुल 12 लोगों को दिया गया है, तो 12 के 12 लोगों की लिस्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 12 के 12 लोगों की लिस्ट ये देख सकते हो। 1913 में सबसे पहली बार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, कहाँ, लिटरेचर में। सी वी रमन को फिजिक्स में, हरगोविंद सिंह खुराना मेडिसिन में, मदर टेरेसा पीस में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में दिया गया था, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में, वेंकटरमन रामकृष्ण केमिस्ट्री, कैलाश सत्यार्थी पीस, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स। ये सब आपको याद रखने, एक ही जगह पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट, इसको कहते कंप्लीट तैयारी। इसका हमने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया, इसका हमने स्टैटिक वाला पार्ट भी पढ़ लिया, कुछ बचा नहीं है। इस तरीके से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि 25 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 25 टॉपिक हैं ऐसे, 25। केवल वही 25 टॉपिक भी कर लोगे ना तो भी एग्ज़ाम कट ऑफ आसानी से निकल जाएगी। और जब जितने लोग हमारे पेड बैच में हैं वो लोग एक चीज़ याद रखें कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ अलग से करवाऊँगा, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले सर कुछ ऐसा करा दो एक महीने में कि वहाँ से हमको 40-50 क्वेश्चन मिल जाए, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं? कुछ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से श्योर शॉट क्वेश्चन बनना है। अगर ऐसा चाहते हो तो लगातार वीडियो को लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो तुम लोग जितना ज़्यादा एनर्जेटिक वे में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, तभी ना मोटिवेशन मेरे मन में जागेगा। अब पता चला लिमिटेड लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। मैं दे रहा हूँ कि चलो तुम्हारे लिए कुछ करा दूँ, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों फालतू में अपनी जान दूंगा। वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, आराम से सोऊंगा खूब। लेकिन हाँ, अगर तुम कहोगे कि सर करवा दो तो फिर करवा दूंगा, नहीं तो भैया आराम किसको नहीं पसंद है, नींद किसको नहीं पसंद है। इस समय सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, खूब सोएंगे, आराम से दबा के सोएंगे। अगर लेकिन तुम लोग कह दोगे कि सर करवा दो तो करवा देंगे भाई, ऐसी कौन सी दुश्मनी थोड़ी ना है तुम लोगों से। चलो शुरू करते हैं। उन्हीं 25 टॉपिक, 25 ऐसे टॉपिक हैं जो आर ओ आर ओ में बार बार पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में। उनमें से एक टॉपिक है, एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं नोबेल प्राइज का, और दूसरा है नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, ठीक है। कंप्लीट हम जो भी चीज़ आपको पढ़ाएंगे वो कंप्लीट ही पढ़ाएंगे, कोई उसमें ढिलाई नहीं। यानी कि करंट अफेयर्स भी करवाएंगे और स्टैटिक जीके भी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेशनल फिल्म अवार्ड, फोटो देखो, फोटो देखो, फोटो देखो, 50 बार कह रहा हूँ कि जितनी भी फोटो दिखा रहा हूँ फोटो देखते चलो, जितनी भी फोटो। अरे ये फोटो में क्या लिखा है, 69 ये क्यों लिखा है? यानी कि इस बार जो नेशनल अवार्ड दिया गया है वो 69th नंबर का था, राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए गए हैं। आपने देखा भी होगा, एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि आलिया भट्ट को पुरस्कार दिया जा रहा था। आलिया भट्ट, ये हैं आलिया भट्ट, ये पुरस्कार ले रही थी
और रणबीर कपूर इनका कैमरे से फोटो बना रहे थे। ये कैमरा है तो देखो, ये आलिया भट्ट लग भी रही होगी, आलिया भट्ट। ठीक है, मेरी ड्राइंग बढ़िया है। ये है आलिया भट्ट और ये उसका पति है, रणवीर कपूर है कि सिंह है? कपूर, रणवीर सिंह नहीं, कपूर ही। ये देखो, आलिया भट्ट पुरस्कार ले रही थी और रणबीर कपूर उनका फोटो बना रहे थे। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था। वो क्या हो रहा था, नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जा रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का कौन सा संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया गया है? जल्दी से बताओ। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 69th, ऑप्शन नंबर डी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी बैच नहीं ज्वाइन किया है? वो लोग भैया, एग्ज़ाम निकालना है तो टाइम पास करना बंद करो, प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करो। ये जितने भी बच्चों के कमेंट आप देख रहे हो, ये सब पेड बैच के स्टूडेंट हैं। इनका कोई आंसर गलत नहीं होगा, इनका कोई आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ के आ रहे हैं, इनको मैंने बता रखा है। एक कमेंट आ रहा है कि सर जी, आप भी किसी हीरो से कम नहीं हैं, हम लोगों के आप हीरो ही हैं। भैया इतना ना बोल दो कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं, अपने आप को हीरो समझने लगूं और कहीं बॉलीवुड या कहीं पे ट्राई करने मार जाऊं। साउथ का तो हीरो बन ही सकता हूं यार। ठीक है, तो 69th इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, किसने 69th फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं? एक कमेंट आ रहा कि सर सच में आप हीरो लगते हैं। अरे भाई क्यों मौज ले रहे हो, सुबह से तुम लोगों को कोई मिला नहीं है लगता मौज लेने के लिए। तुम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो सोचते हो चलो सर के साथ में ही थोड़ी सी हंसी मजाक कर लिए। माधव क्या कह रहे हैं, माधव कह रहे हैं कि सर, अरे वाह, हम लोग आपको करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे अगर आप हीरो बन गए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अरे बने तो यार हीरो, तुम ही लोग हीरो बनवा दो, यही बहुत बड़ी बात है। नीतू देवी कमेंट के सर रीजनिंग पढ़ा दी। अरे हीरो बनने की बात चली, कहाँ तुम रीजनिंग लेके आ गई, क्या करोगी इतना पढ़ के? हैं, यहाँ देख रही हूँ लड़के मुझे हीरो बना दे रहे हैं और तुम लिख रही हो सर रीजनिंग पढ़ा दो। अनुदीप दुबे कह रहे हैं, गुरु जी हमारे इतना अच्छा समझा रहे हैं कि मैंने पापा को भी बताया कि आप बहुत डिटेल से और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। पापा खुश, चलो यानी कि तुम लोग तो खुश हो ही, पापा भी तुम्हारे खुश हैं। रानी नूरी लिख रही, सर मुझे पेड बैच लेना है। रानी जी, अगर आपको पेड बैच लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इस पे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि सर मुझे बैच लेना है, दे देंगे बैच। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। ये द्रौपदी मुर्मू का आप फोटो देख सकते हैं जिन्होंने इस बार। ज्योति दीक्षित कमेंट कर रही हैं, सर जब आप कार से निकलते हुए इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं तो आप हीरो लगते हैं। थैंक यू ज्योति, अगर तुम सामने होती तो तुमको आज मैं पार्टी दे देता। तारीफ करते हो दिल को अच्छा लगता है भाई। क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर किया गया था इसको, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। एक कमेंट आ रहा कि सर कल मेरा पेट का
पेट का एग्जाम है, तो पेट के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं, पेट के तो सभी एग्जाम होते हैं। आरओ भी पेट का एग्जाम है भाई, पेट के लिए तो पढ़ रहे हो। पेट के लिए तो कमाते हैं सब लोग, तो पेट के एग्जाम तो सभी हैं। क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। बेस्ट एक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। छपा हुआ आएगा, आंसर बनेगा अल्लू अर्जुन। यहां पर आप देख सकते हो अल्लू, नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, अल्लू अर्जुन। किस मूवी के लिए? पुष्पा, पुष्पा मूवी के लिए इनको दिया गया, पुष्पा मूवी के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किसे सबसे बढ़िया अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, सबसे बढ़िया अभिनेत्री? सबसे बढ़िया अभिनेत्री तो किसको दिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त, सभी दोनों, आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आलिया भट्ट को एक मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाली, इसके लिए दिया गया है, और कृति सेनन को मीमी मूवी के लिए दिया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, बेस्ट फीचर फिल्म? आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट्री, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर आप देख सकते हो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री, ये आर माधवन का मूवी था रॉकेट्री, ठीक है, रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट, बेस्ट फीचर फिल्म। इसके बाद में है नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। डायरेक्टर वायरेक्टर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद रखो निखिल महाजन, कभी कभी पूछ सकता है। निखिल महाजन, गोदावरी मूवी के लिए निखिल महाजन को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका है, बहुत अच्छे रहनुमा, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हर एक क्लास अटेंड करते रहिए, तो आंसर इसका हो जाएगा वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान, इसका आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। यहाँ पर आप देख सकते हो वहीदा रहमान जो है टू बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के पुरस्कार। रवि शंकर जी, क्लासेस का टाइम जानने के लिए आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, उसमें ही क्लासेस चलती हैं। इसके बाद में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको दिया गया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो आंसर इसका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, कौन सी मूवी के लिए, मीमी, जिस मूवी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया, उसी मूवी के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए दिया गया। इसके बाद में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको दिया गया, बेहतरीन मूवी, एक बहुत अच्छी मूवी है उसमें जो रोल किया है, आंसर हो जाएगा पल्लवी जोशी, क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है। ठीक है, तो पल्लवी जोशी, कौन सी मूवी है, द कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, यहां पर देख सकते हो कश्मीर फाइल्स के पल्लवी जो जबरदस्त एक्टिंग करी है, मजा आ गया था एक्टिंग देख के, मूवी भी बहुत ही शानदार थी, ठीक है, मूवी भी बहुत बढ़िया थी। क्वेश्चन बनेगा बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, ये कौन सी है? आंसर इसका हो जाएगा ट्रिपल आर, ट्रिपल आर को दिया गया है, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर मूवी, मतलब तारीफ तो बहुत ही थी, मतलब वैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ साउथ की मूवी, लेकिन देखी नहीं थी मैंने, पता नहीं क्यों छूट गई थी, देखा नहीं था। मूवी मुझे अच्छी लगी थी, बट ये KGF मूवी बहुत शानदार, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि हाल फिलहाल में कोई अच्छी मूवी देखी है,
तो KGF बेस्ट मूवी थी। आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सी अच्छी लगी। वैसे KGF मूवी का कोई तोड़ नहीं है, रॉकी भाई बहुत शानदार मूवी है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कौन सी अच्छी मूवी लगी है? मतलब हाल फिलहाल में एक कमेंट आ रहा कि सर जवान मूवी अच्छी लगी। क्या यार, तुम लोगों का टेस्ट बिल्कुल बेकार है। जवान कोई मूवी है? रहनुमा लिख रही है सर आपके बैच के आगे कोई मूवी अच्छी नहीं लगती। थैंक यू सो मच इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। चंद्रमुखी 2, हाँ वो अच्छी हो सकती है, देख लेंगे। जवान बेकार मूवी। चलो ये बताओ, तुम लोग मूवी भी नहीं बता पाते, ना पढ़ने में तेज हो ना मूवी देखने में तेज हो, एक भी मूवी का नाम नहीं लिख पा रहे हो, और पढ़ाई के क्वेश्चन पूछो तो पढ़ भी नहीं पा रहे हो। नरगिस 10 अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म, ये किसको दिया गया है? KGF बढ़िया मूवी थी, कभी किसी को टाइम मिले तो KGF देखना, शानदार मूवी थी। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कश्मीर फाइल्स, इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स ठीक है। इसके बाद में बेस्ट हिंदी फिल्म, सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह ऑप्शन नंबर सी, सरदार ऊधम सिंह ठीक है। अब स्टैटिक वाला पार्ट इसका कर लेते हैं, स्टैटिक वाला पार्ट। चलो बताओ इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर डी सही हो जाएगा, 1954, 1954 में ठीक है। 1954 में इसकी शुरुआत करी गई थी। इसके बाद में बनेगा किस मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? पहला श्यामची आई ठीक है, श्यामची आई ये एक मराठी मूवी थी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पहली बार किसको दिया गया था? नरगिस दत्त ठीक है, नरगिस दत्त को दिया गया था, नरगिस दत्त, रात और दिन के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? आंसर हो जाएगा उत्तम कुमार, उत्तम कुमार को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था सबसे ज्यादा बार, किस अभिनेत्री? आंसर हो जाएगा शबाना आजमी, शबाना आजमी, शबाना आजमी 5 बार। सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया जा चुका है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, 4 बार ठीक है, 4 बार ठीक है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना करी गई थी? 1969। स्पीड से आंसर देते चलो। फिर अब पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरओ एआरओ के हिसाब से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा देविका रानी, सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को ठीक है। अब आप देख सकते हो कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 के विनर की कंप्लीट लिस्ट, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी लिस्ट दे दे रहा हूँ। इसमें से आप क्या करना, बस
जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस थी वो चीज़ें आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। ये वाली जो क्लास है ये लगभग हर दूसरे दिन 10 बजे चलती है। जितने भी लोग पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन है जो पहली बार आया है, कौन कौन से लोग हैं जो पहली हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, कौन कौन पहली बार देख रहा है, कमेंट करके बताओ कौन कौन पहली बार में देख रहा है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं याद रखो हर दूसरे तीसरे दिन ये क्लास चलती है और 10 बजे चलती है, ठीक है। 10 बजे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, 10 बजे ये क्लास चलेगी, ठीक है। और अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें कि आपको पूरी तैयारी GS करंट अफेयर्स हिंदी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, उसका प्राइस है 3,000 रुपये। उसको भी ज्वाइन करके आप जो है पढ़ सकते हो, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप पढ़िए, बस पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। जिसको पूरे देखिए कमेंट आ रहा है सूर्य का कि जो लोग भी हमारा पूरा बैच लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर अभी लिख कर भेजें। रहनुमा थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करो RO बैच लेकर, जिनको भी हमारा बैच ज्वाइन करना है, 7238969297, ठीक है। जिसको जिसको बैच ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजे, ठीक है, आपको बैच मिल जाएगा। डेली 10 बजे आपको आ जाना है, क्लासेस करवाएंगे। थैंक यू सो मच।